नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे जियो सिनेमा प्रीमियम में रिलीज हुई नई वेब सीरीज खलबली रिकॉर्ड्स की, जो 12 तारीख को रिलीज हो चुका था दोस्तों। तो कैसा लगा मुझे ये वेब सीरीज, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर आपको पसंद आता है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राम कपूर स्टारर ये जो वेब सीरीज है, ये बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर बनाया हुआ है और जिसका टीजर और ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग था। तो दोस्तों कहानी ऐसा है कि दिखाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा म्यूजिक लेबल है, एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसका नाम है गैलेक्सी, जिसका जो मतलब किंग पिन है वो है हमारे राम कपूर, और उनके जो लड़के मतलब लड़का जो है वैभव, उनका किरदार जो है वो प्ले कर रहे हैं स्कंद, आपका संजीव कुमार, और साथ में आप साथ में देख सकते हो सलोनी बत्रा को, जो उनकी लड़की का किरदार जो है वो प्ले कर रही है। तो इन तीनों का ही बेसिकली आपस का कहानी है, और साथ में एक बंदा है जिस किरदार का नाम यहाँ पे दिया गया है मौज, और उसका अचानक से शरीर के शुरू में ही उसका कत्ल हो जाता है एक म्यूजिक परफॉर्मेंस देते हुए। और उसके बाद जो मेन डिबेट है कि इंडिविजुअल आर्टिस्ट, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उनके साथ ये बड़े म्यूजिक लेबल्स की या कंपनी का क्या राइवलरी रहती है, कैसे वो अपने आप बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस आर्टिस्ट का गला जो है वो घोंटने की कोशिश करते हैं, यही एक ड्रामा के तरह से दिखाया गया है। दोस्तों जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी है इस सीरीज के अंदर में, देखिए इस सीरीज के अंदर में जो हिप हॉप म्यूजिक जो है, रैप जो है, इसको बहुत अच्छा तरीके से जो है एक्सप्लोर की गई है। तो पूरा जो मतलब कहानी का जो शुरू से लेकर अंत तक की जो डिबेट है वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस की है, जहां पे काफी अच्छा म्यूजिक हमें सुनने के लिए मिलता है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक सीरीज आया था उस समय आपका बंदित बैंडिट्स बोल के, जो सिर्फ हिट हुआ था, पहला जो मतलब लव लोगों ने उसमें दिया था वो उसकी म्यूजिक की वजह से। तो ऐसा एक खलबली रिकॉर्ड्स ऐसा ही एक सीरीज है जहां पे आपको ये सीरीज से प्यार होगा बिकॉज ऑफ इट्स म्यूजिक। तो ओवरऑल म्यूजिक काफी बढ़िया है, रैप्स और उसके लिरिक्स जो है काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड द स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी जेन्युइन। एट द सेम टाइम कपल ऑफ परफॉर्मेंसेस, लाइक यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो लीड कास्ट मतलब अपार्ट फ्रॉम द राम कपूर, बोथ दिस सिस्टर एंड ब्रदर्स प्लेड बाय बोथ द आर्टिस्ट, ब्रिलियंटली उन लोगों ने काम किया है। दोनों का ही एक्टिंग काफी मतलब बढ़िया है। सालोनी बत्रा इज स्टेलर ऑफ द शो, बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक्टिंग की है, और बहुत सारा शेड्स भी है उनके कैरेक्टर में, तो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया है। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा इस सीरीज से। तीसरा चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए ये सीरीज में ना बहुत इसको रियलिस्टिक तरीके से बनाया गया है, मतलब जो भी इश्यूज है, जो भी कंसर्न है, या फिर मान लीजिए आपस में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, वो बहुत नेकेड तरीके से दिखाया गया है। कोई रोक टोक नहीं, एक मतलब अगर एक बेटे को अपने बाप से प्रॉब्लम है वो बेझिझक जाके उसको बात कर रहा है, जो हमारे समाज में काफी मिसिंग है, हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, जो भी है मतलब उनकी गुनाह हम लोग टाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे राम कपूर को हर जगह में जो है स्कंद जो है वो हर जगह में जाके कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, और एक लड़की है जिसका जिसमें वो प्रॉब्लम चल रहा है कि वो कॉन्फ्रंट नहीं कर सकता है, लेकिन आखिर तक वो भी कॉन्फ्रंटेशन में आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीके से लिखी गई एक सीरीज है, और सबसे इंटरेस्टिंग जो लगा है कि हर एपिसोड का नाम बहुत अच्छा तरीके से रखा गया है, बहुत मीनिंगफुल तरीके से रखा गया है, और बहुत अच्छा तरीके से दिखाया भी गया है। तो टाइटल क्रेडिट बहुत अच्छा तरीके से डिजाइन भी की गई है। तो ये सारी चीजें जो है ये काफी अच्छी है। म्यूजिक की क्वालिटी मैंने आपको पहले ही कहा काफी बढ़िया है, लेकिन कुछ कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी इसके अंदर में है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सीरीज के अंदर में मैंने देखा कि ओवरऑल ना रिलेशनशिप को बहुत अच्छा तरीके से डेवलप नहीं की गई है। देखिए स्कंद फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बेचलर दिखाया जा रहा है, उनका उनके साथ किसी का रिलेशन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उनके साथ उनका बहन का, उनके साथ उनका मतलब दोस्त की मरे हुए दोस्त का मतलब फियोंसे का, या फिर मान लीजिए अपने बाप के साथ रिलेशनशिप की जो क्राइसिस है ना, सिर्फ उनके कैरेक्टर में ही आपको दिखेंगे। बाकी जितने भी साइड में जितने भी कैरेक्टर्स है, सलोनी बत्रा टू सम एक्सटेंड उनका भी दिखाया जाएगा, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स में वो रिलेशनशिप डेवलप की ही नहीं गई है। और मुझे एक चीज डेफिनेटली इसके अंदर में लग रहा है कि राम कपूर इज लेस यूटिलाइज्ड, उनके जैसे कलाकार ये सीरीज में इतना बढ़िया उनके इंप्रेशन है जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, जितना सीरीज आगे चलता जाता है और राम कपूर जो है थोड़ा थोड़ा फेड आउट होने मतलब होते चलते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जहां पे जाके राम कपूर को आपको आप सीरीज में मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंट्स है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राम कपूर से काफी तगड़ा एक परफॉर्मेंस, एक मेमोरेबल कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो एक मतलब एक्सपेक्टेशन यहाँ पे खरे नहीं उतरती है। तो ओवरऑल एक और साथ ही में और बहुत सारी चीजों को लेके, देखिए LGBTQ या फिर बहुत सारी ऐसी चीज लेके सब प्लॉट्स बनाई गई है,
ठीक है, इंटरनल फियर, ये सब चीज लेके सब प्लॉट्स बनाई गई है, लेकिन वो सब प्लॉट्स ना कहानी को आगे लेके नहीं जाते हैं, वो इधर उधर ही घूमते हैं और एक जगह जाके अपना दम जो है वो तोड़ देते हैं। तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल एक बहुत अच्छी अटेम्प्ट है, म्यूजिक के हिसाब से बहुत बड़ा एक, आप बोल सकते हो एक बहुत डिफरेंट टाइप का सीरीज बनाया गया है, लेकिन वो मतलब एवरलास्टिंग इंप्रेशन जो इस सीरीज से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ मुझे देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि ये सीरीज खराब है, डेफिनेटली वॉचेबल सीरीज है, आप इसको देख सकते हो। और अगर मान लीजिए कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा इस सीरीज से या कुछ भी आपका टेक है जो आप कहना चाहो वो मुझे आके कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो से अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।